Audio Jungle. आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में RCS कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने घर घर तिरंगा की रैली निकालकर समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया। रैली में प्रत्येक विद्यार्थियों के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज के साथ तिरंगों से बने सामानों से सज धज कर राष्ट्रीयवाद एवं देश धर्म का परिचय दिया। जौरीपुर एक्सटेंशन से होते हुए करदम फार्म सनी बाजार से निकलकर विद्यालय तक बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। रैली के दौरान आज़ादी दिलाने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे बैनर व स्लोगन के साथ अमर जवानों को याद करके नारे लगा रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य धर्मेश शर्मा ने बताया कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा पहुंचाना है और सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है। क्या कुछ रहा खास, देखें हमारी इस खबर में। पहले तो सभी को जय हिंद, जय भारत। आज RCS कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात बच्चों के द्वारा व स्टाफ मैनेजमेंट के द्वारा एक रैली का, तिरंगा रैली का आयोजन करा गया, जिसमें RCS कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने अपने स्कूल से लेकर RST एंक्लेव व जौरीपुर एक्सटेंशन में तिरंगा रैली का आह्वान करा। वह एक संदेश जन जन के लिए दिया गया कि घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा। बच्चों ने अपनी प्रतिभा जिस तरीके से संपूर्ण रूप से तख्तियों पर लिखकर अपने अमर शहीदों को याद करा है, वह तिरंगे के द्वारा दिए गए प्रधानमंत्री के मैसेज को, हर घर तिरंगे के मैसेज को बच्चों ने अपने हाथों में तिरंगा लेके जिस तरीके से जन जन तक पहुंचाया है, बच्चों का जितना प्रोत्साहित करा जाए उतना कम है।